चंद्रयान 3 आदित्य L1 के बाद इसरो लॉन्च करेगा बिकिनी। नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो वाली बिकिनी नहीं, इसरो लॉन्च करेगा बिकिनी स्पेसक्राफ्ट। लेकिन क्या होगी इस मिशन की खासियत, ये इसरो का कौन सा नया मिशन है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने इस डील को एरियन स्पेस से छीना है और अपने नाम एक और मिशन कर लिया है। अगले साल जनवरी में इसरो बिकिनी लॉन्च करेगा। बिकिनी यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी का री एंट्री व्हीकल है, यानी रॉकेट एक यान को जो ऊंचाई तय की गई है वहां ले जाकर छोड़ देगा, उसके बाद इस यान को धरती पर वापस लौटना होगा। इसके लिए कंपनी और इसरो के बीच डील हो चुकी है। अगले साल जनवरी में एक दुबला पतला यूरोपियन स्पेस क्राफ्ट बिकिनी इसरो के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये यूरोपियन स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी का ही एक री एंट्री व्हीकल है। बिकिनी असल में इस कंपनी के बड़े रीयूजेबल री एंट्री मॉड्यूल निक्स का एक छोटा वर्जन है। इसरो का ये PSLV रॉकेट बिकिनी को धरती की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर ले जाकर छोड़ देगा, वहां से ये वापस धरती की तरफ लौटेगा। इस दौरान इसकी री एंट्री को लेकर कई जांच पड़ताल की जा रही है। ये वायुमंडल को पार करते हुए समुद्र में गिरेगा। आपको बता दें कि बिकिनी का जो वजन होगा वो मात्र 40 किलोग्राम है। इसका मकसद है अंतरिक्ष में डिलीवरी को पहुंचाना, यानी दी एक्सप्लोरेशन कंपनी ये चाहता है कि वो अपने बिकिनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में डिलीवरी करने के लिए व्यवस्थाओं में जुट सके। अगर बिकिनी जनवरी के रीएंट्री मिशन में सफल होता है तो इससे कमर्शियल उड़ानों की नई दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा, यानी अंतरिक्ष में किसी भी सामान की डिलीवरी हो सकेगी, वो भी कम पैसों में, वो भी सस्ते में। दरअसल आपको बता दें कि पहले ये मिशन की जो कमान थी वो यूरोपियन एरियन स्पेस कंपनी को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया, क्योंकि एरियन 6 रॉकेट के डेवलपमेंट में देरी कर रहा था। बिकिनी को PSLV रॉकेट के चौथे स्टेज में लगाया जाएगा, फिर अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, वहां से बिकिनी वापस आएगा और समुद्र में गिर जाएगा। इस मिशन के दौरान दी एक्सप्लोरेशन कंपनी को जो डाटा मिलेगा उससे वो भविष्य में ज्यादा बेहतर री एंट्री और रिकवरी टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे। PSLV रॉकेट में PS4 यानी चौथे स्टेज का इस्तेमाल किया गया। हाल ही में PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM के लिए इसका इस्तेमाल भी किया गया था। माना जा रहा है कि इस मिशन के लिए बिकिनी को 500 किलोमीटर के आसपास छोड़ा जाएगा। PS4 फिर बिकिनी को डिबूस्ट करते हुए ऑर्बिट छोड़ेगा। इसके बाद 120 या 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद बिकिनी को छोड़ दिया जाएगा और वो सीधे समुद्र में जा गिरेगा। अब देखते हैं कि जिस बिकिनी मिशन के लिए यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी और इसरो के बीच डील हुई है वो कामयाब हो पाता है या नहीं। क्या आपने सुना है इस मिशन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तमाम इसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।